हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी ना बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। ये एक काफी अवेटेड वैकेंसी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वैकेंसी निकल के आ रही है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की पोस्ट के लिए 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 5000 से 12000 के बीच में आपका सीट होने वाला है। फॉर्म की जो फी होती है ना, जनरल OBC EWS से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाता है। वहीं पर SC ST कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाता है। आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस वगैरह अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो एज लिमिट होता है ना, MTS की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और हवलदार की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष। लेकिन ये एज किस डेट से कैलकुलेट होगा? एज ऑन 1st of August 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका एज की गणना की जाएगी। रिलैक्सेशन तो आपको पता है कि अपर एज में छूट मिलता है, OBC को 3 वर्ष के लिए और SC ST को 5 वर्ष के लिए। अब आगे देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या डिमांडेड है। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल इसका है। जो भी बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, सभी इलिजिबल होंगे। 10th में कुछ भी परसेंटेज है, घबराना नहीं है, बस 10वीं पास है तो अप्लाई कर दीजिएगा। अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर MTS की पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 स्टेज आपका होगा। पहले स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, दूसरे स्टेज पर आपका DB हो जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे स्टेज पर आपका मेडिकल होगा। लेकिन अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए देख रहे थे तो एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, तब जाके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की डेट क्या होगी। आपको पता है कि पहले स्टेज पर दोनों ही पोस्ट के लिए ऑनलाइन CBT होगा, तो एग्जाम कैलेंडर में SSC ने ये क्लियरली बता दिया है कि एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा। और रही बात अप्लाई करने की तिथि, तो फ्रेंड्स जैसा कि कैलेंडर में बताया गया था SSC के द्वारा कि 7 मई से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होना था और जून तक ये क्लोज हो जाता, बट सम रीजन से ये डिले चल रहा है। लेकिन ये आपकी अश्योरिटी है कि 10 जून तक आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात एग्जाम की डेट की, तो वो सेम ही होगा। आपको पता है कि SSC जो डेट एक बार बता देती है उसी डेट पर एग्जाम कंडक्ट करती है। चलिए आगे अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर दोनों ही पोस्ट के लिए सेम ही एग्जाम होगा। एग्जाम आपका होगा 90 क्वेश्चंस का और 90 मिनट्स के लिए, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। लेकिन पिछले साल से एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 सेशन 2। देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन एग्जाम होगा, सेम ही दिन 1.5 घंटे के भीतर 2 सेशन में एग्जाम कराया जाएगा। सेशन 1 आपका 45 मिनट के लिए ओपन होगा, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। ये क्वालिफाइंग होता है, मैथ रीजनिंग में आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी जाके इसका मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। देखिए ये आप सोच रहे होंगे कि ये बस क्वालिफाइंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना है। अगर ये मिनिमम नंबर आप नहीं लाते हो ना, तो आपका जो है, आप कितना भी अच्छा GK और इंग्लिश में स्कोर करेंगे, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हालांकि आपका मेरिट इस स्कोर के बेसिस पे तय होगा। पहले ये देख लेते हैं सेशन 1 में कितना परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स है।
जनरल कैंडिडेट को 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 25% लाना है, एससी एसटी को 20% लाना है। मतलब कि ये जो आपका 20 क्वेश्चन का 60 नंबर है ना, इसका आपका दोनों का जोड़ा जाएगा, 120 का 30%, 25% और 20%। और ये जब आपका 45 मिनट समाप्त हो जाएगा तो फिर आप अगले सेशन में प्रवेश करेंगे। और अगले सेशन में आपका क्या होगा, जीके करंट अफेयर्स और इंग्लिश, दो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जीके और इंग्लिश। उसके 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के लिए। और इस सेशन में आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा, एक नंबर आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। जीके के 25 प्रश्न होंगे 75 नंबर के लिए, इंग्लिश के 25 प्रश्न 75 नंबर के लिए। आई होप कि आप एग्जाम पैटर्न को बेटर तरीके से आप समझ गए होंगे। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद एमटीएस वालों का डीवी मेडिकल हो जाएगा, लेकिन अगर आप हवलदार बनना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में सबसे पहले वॉकिंग की टेस्ट होगी आपकी, 1600 मीटर की वॉकिंग मेल कैंडिडेट को 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स को 1 किलोमीटर की वॉकिंग 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है। देन आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। हाइट की मेजरमेंट होती है, मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम, फीमेल्स का 152 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 81 to 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और वेट ना फीमेल कैंडिडेट कम से कम आपका 48 केजी होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल है, फिर डीवी एंड मेडिकल, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। पता है कि एसएससी के तरफ से ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर होता है, आप अपने नियर बाय 3 सिटी को चूज कर सकते हो, वहीं पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रही बात कि आपका जॉब कहाँ रहेगा, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। जॉब करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, एमटीएस की पोस्ट के लिए शुरुआत में 18 से 22 हज़ार, ये आपका अलग अलग शहर के लिए डिपेंड करता है किस शहर में कितना सैलरी दिया जाएगा। हवलदार के लिए 20 से 22 हज़ार का है। मौका बहुत अच्छा है, और आपको पता है कि इसके लिए 5,000 से 12,000 के करीब सीट आएगी, तो इस मौके को ना गवाए। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका आप पेपर बनाए, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर वगैरह बनाए, और देखें कि सिलेबस में आप अभी कहाँ पिछड़ रहे, सेट लगाते रहिए लगातार, उसके स्कोर के बेसिस पे तैयारी को और अच्छी करते रहिए। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।